अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नूडल्स, जो एक चाइनीज़ डिश है जिसे हम हक्का नूड जिसके लिए हमने ये हक्का नूडल्स लिया है। इस तरह का ये पूरा एक पैकेट लेंगे हम, तो पूरे एक पैकेट के हिसाब से हमने 150 ग्राम शिमला मिर्च लिया था, उसको लंबी लंबी इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। और 2 कप भर के हमने हरी प्याज की पत्ती ली है जिसे हमने बारीक चॉप कर दिए हैं, और 1/2 कप मटर के दाने लिए हमने। अगर ये आप नहीं लेना चाहते तो नहीं भी ले सकते, और बस 1/2 कप हमने इस तरह से इसे लंबे स्लाइस में गाजर खींच लिया है। ये हम आखिर में बिल्कुल आखिर में पूरे पकने के बाद आखिर में मिलाएंगे इसे गाजर। और हमने 10 से 12 हरी मिर्चियों को इस तरह से बीच में से कट्स लगा के से दो हिस्सों में इस तरह से काट लिया है। आप मिर्ची हरी मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और 3 टेबलस्पून हमने लहसुन की कलियां लगेंगी, और 1.5 टेबलस्पून हमने तंदूरी चिकन मसाला लिया है जो हम फ्राइड राइस के लिए जो हमने इस्तेमाल किया था, और 150 ग्राम हमने चिकन लिया है जिसे हमने बारीक क्यूब्स टाइप में काट लिए हैं इस तरह से। और हमने 4 अंडे लिए हैं, 4 अंडे लगेंगे हमें, हमने इस तरह से 4 अंडे लिए हैं इसको। आप अंडे और चिकन आग के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, और तेल हमें जितना लगेगा उतना डालेंगे। और हमने 400 ग्राम पत्ता गोभी इस तरह से हमने इसे बारीक लंबे लंबे टाइप काट लिया है, इसे खींच लिया है इस तरह से लंबे। तो हमने टोटल 400 ग्राम पत्ता गोभी ली है हमने, और चिकन स्टॉक हम नूडल्स बनाते वक्त उसमें इसके पानी में मिला के मिक्स करके नूडल्स के पानी में मिक्स करके उसमें नूडल्स मिलाते वक्त उसमें डाल देंगे। अगर आप चिकन आपके पास चिकन क्यूब्स नहीं ना हो तो आप नहीं भी डालें तो चलेगा। और सोया सॉस और वेनेगर भी हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और सबसे पहले हमने पानी एक भगोने में बॉईल होने के लिए नूडल्स के लिए पानी रख दिया है, इसे अच्छे से बॉईल होने के बाद हम इसमें नूडल्स डालेंगे। चलिए सबसे पहले हम चिकन में लहसुन तंदूरी चिकन मसाला सोया सॉस और वेनेगर मिला के इसे 5 मिनट रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें ये जो लहसुन रखा था इसे डाल देंगे। इस तरह से हम 4-5 लहसुन इसमें खिस के इस तरह से डाल देंगे। हमने इसमें 4-5 लहसुन खिस के डाल दिया है। अब इसमें हम नमक हम बिल्कुल 1/4 टीस्पून इतना डालेंगे, क्योंकि हम सोया सॉस और वेनेगर भी डाल रहे हैं इसमें, सोया सॉस में भी नमक होता है। काली मिर्ची 1/4 टीस्पून काली मिर्ची, नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, और बिल्कुल 1/2 टीस्पून उतना वेनेगर डालेंगे, और 1/2 टीस्पून उतना ही 1/2 टीस्पून वेनेगर 1/2 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। तो हमने 1/2 टीस्पून सोया सॉस और वेनेगर डाला है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है चिकन को, अब इसे एक तरफ रख देंगे। हमने 150 ग्राम चिकन लिया है, आप आपके हिसाब से कम और ज़्यादा ले सकते हैं। आप चाहे तो अंडे की क्वांटिटी और चिकन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें 1/2 टीस्पून उतना ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्ची और फिर नमक, और फिर इसमें भी हम 3-4 कलियां लहसुन के इस तरह से खींच के डालेंगे। बाकी का लहसुन हम बघार में डालने वाले हैं।
और फिर इसे अच्छे से इस तरह के ब्लेडर से फेंटेंगे। तो चलिए हमने इसे अच्छे से फेंट दिया है, अब हम सबसे पहले नूडल्स को उबाल के निकाल लेंगे। इस तरह के नूडल्स है ये, इसे हम तोड़ के ये बॉईल हुए पानी में डाल देंगे। हमने पानी में 1 टेबल स्पून मीठा तेल डाला था, इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। इसे अच्छे से औंटने देंगे। तो चलिए ये पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है, इसमें हम ये नूडल्स डाल देंगे। हम नूडल्स पूरे बॉईल करके रख लेंगे छन्नी में निथार के, और हमें जब ज़रूरत होगी तभी हम उसे मटेरियल भी हम पूरा बगार के रख लेंगे, और हमें जितना खाने के लिए चाहिए, जितना हमें सर्व करना है उतना ही हम उसमें नूडल्स मिलाएंगे, बाकी के हम निथार के रख लेंगे। कभी भी याद रखिए, अगर आप नूडल्स या फ्राइड राइस बना रहे हैं तो उसे बॉईल करके रख लेना, जब आप खाना है, जब आपको सर्व करना है तभी आप उसमें मटेरियल मिला के, तब का तभी ही उसमें चावल या नूडल्स मिलाना। तो हमें बस इतना गलाना है इसे कि ये अच्छे से दबे, फिर बाद में हम इसे पत्ता गोभी शिमला मिर्ची में भी और इसे बगारने वाले हैं, इसे थोड़ा सा और इसका पानी डालकर ऊपर नीचे करेंगे, तो इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे, नहीं तो ये हमारे नूडल टूट जाएंगे। इसलिए हम इसे ना बहुत ज़्यादा सख्त रहने देना है इसे, ना बहुत ज़्यादा नरम, बस 3-4 मिनट इसे इसी तरह बॉईल होने देंगे, फिर इसके बाद इसे निथार लेंगे। हमने मीठा तेल इसमें हम इसलिए डाल रहे हैं, थोड़ा और 1 टेबल स्पून हम मीठा तेल और नमक डाल देंगे इसमें, हमने नमक नहीं डाला था इसमें, 1 से 2-3 टेबल स्पून हमने नमक डाला है। अगर हमें लगेगा कम तो हम और मटेरियल में भी बगार में डालने वाले हैं, तो इसलिए हमने इसमें 3 पैकेट के हिसाब से हमने 3 टेबल स्पून नमक डाला है। इसमें 4 रहते हैं लेकिन हमने अभी 3 उबाला है, बाद में हम एक और बाद में हम उबाल लेंगे। तो अभी हम जितना हमें लगेगा हम उतने ही नूडल्स में मटेरियल मिलाएंगे, बाकी के आप नूडल्स फ्रिज में भी इसे एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, जब खाना है तभी आप इसे बगारें, मटेरियल उसमें मिलाएं, तब का तभी। चलिए इसे हम और 1 से 2 मिनट बॉईल होने देते हैं, फिर इसके बाद इसे एक छन्नी में निथार देंगे। ये हमारे अच्छे से 2-3 मिनट से बॉईल हो रहे हैं, अब ये इसे बस हमें इतना बस दबे उतना हमने इसे गलने दिया है, बस इसे अब हम निथार देंगे। ये इस तरह से दब रहे हैं, बस अब इसे हम निथार लेंगे। अब हम चिकन को फ्राई कर देंगे। हमने नूडल्स को निथार के इसमें तेल मिक्स करके रख दिया है, अब हम इसमें चिकन फ्राई करेंगे। हमने इसे 5 मिनट से 10 मिनट तक इसे तरह से लगा के रख दिया था। इसे फिर फ्राई करे बाद हम इसमें कोयलों की स्मोकी खुशबू देंगे, इस तरह हमने फ्राइड राइस के चिकन को दिया था उसी टाइप की देंगे, जिस मंदी में भी हमने चिकन को कोयलों की स्मोकी खुशबू दिया था, तो बस उस टाइप की हम इसे इसमें स्मोकी खुशबू देंगे। एक छन्नी में कोयले रख के इसे छन्नी में डालकर इस पर रख देंगे। चलिए अब इसे पलटा लेंगे, फिर हम इस तरह से पलटा देंगे।
ये हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे भी एकदम मिक्स फ्राई करके इसे हम एक तरफ रख दें निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें हम अंडे को फ्राई करके निकाल लेंगे। चलिए अब हम इसमें और तेल डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून, इसमें ये अंडे डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम ये अंडे डाल देंगे जल्दी से इस तरह से। ऐसे ही 1 से 2 मिनट होने देंगे। इसमें हम ये ऑरेंज कलर डाल देंगे, बस बिल्कुल 1/4 टीस्पून उतना हमने इसमें ऑरेंज कलर डाला है। आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते। और थोड़ी सी इसमें काली मिर्ची और डालेंगे। तरह से इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे। हमारे अंडे भी अच्छी तरह से हो चुके हैं, जिससे भी हम इसमें भी हम थोड़ी धुएं की स्मोक की खुशबू देंगे। चलिए गैस को बुझा देते हैं। हमने इस टाइप की इतनी बड़ी कढ़ाई लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉन स्टिक पैन में या नॉन स्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह की बड़ी कढ़ाई है, तो इसमें हम बघा रहे हैं। तो हम सबसे पहले गोभी को थोड़े गलने उतनी फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद उसमें शिमला मिर्ची प्याज की पत्ती सब एक साथ ही डाल के बघा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गोभी बघा लेंगे। ये जो हमने हरी मिर्चियाँ रखे थे ये सबसे पहले डाल देंगे इसमें। फिर इसी में हम लहसुन खींच के डाल देंगे। चलिए सबसे पहले हम इसमें गोभी डाल देंगे। फिर 1 टेबल स्पून उतना हम विनेगर डालेंगे। फिर सोया सॉस हम एक 1/2 टेबल स्पून डाल रहे हैं, क्योंकि हम बाद में नूडल्स बघाते हैं वक्त हमें लगेगा, तो हम और सोया सॉस और विनेगर डालेंगे। हमें थोड़ा और तेल लगेगा, बस इसी में हम शिमला मिर्ची भी डाल देंगे। चलिए ये हमारी शिमला मिर्ची डाल दी देते हैं। नमक डालेंगे इसमें हम 1 से 1.5 टेबल स्पून इतना हमने इसमें नमक डाला है। नमक आप कभी भी चख कर डालें, अगर आपको लग रहा कम है तो आप और डाल सकते। तो हम इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इतनी देर फ्राई होने देंगे कि बस हमारे शिमला मिर्ची और पत्ता गोभी गल जाए। फिर उसके बाद हम इसमें प्याज की पत्ती डालेंगे। थोड़ा और 1 से 2 कलियां हम लहसुन की डाल देंगे फ्रेश थोड़े खुशबू के लिए। चलिए फिर हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। फिर क्या इसमें प्याज की पत्ती, फिर हमारे 2-3 मिनट से अच्छे से गोभी पक रही है हमारी है। इसे गलने के लिए हम थोड़ा सा और विनेगर 1 से 1/2 टेबल स्पून उसमें डाल रहे हैं हम, ताकि हमारी गोभी शिमला मिर्ची अच्छे से गल जाए।
तो चलिए अब इसमें हम प्याज की पत्ती डाल देंगे। जो हमने प्याज की पत्ती रखी थी वो डाल देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें लगेगा नमक, अगर कम है तो हम थोड़ा और नमक डाल देंगे। नमक हमारा भी बराबर है, फिर हम नूडल्स डाले बाद देखेंगे, अगर लगा तो हम और डाल देंगे। तो चलिए इसे हम एक बड़े बर्तन में ये मटेरियल को निकाल लेंगे। अब इसी में हम नूडल्स को भी पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे हमारा ये मटेरियल। तो चलिए अब इसे निकाल, हमने एक टेबल स्पून उतना इसमें तेल डाला है। अब हम ये थोड़े से इसमें बटाने डालेंगे। तभी हम दो से तीन लोग है इतना बगार रहे हैं, हमने पूरा मटेरियल बगार के रख दिया है। हमें जितना लगेगा उतना ही हम इसमें डालेंगे। अभी हम तीन लोगों के हिसाब से इसमें नूडल्स बगा रहे हैं। ये चिकन और अंडे है, इसमें हमने धुएं की स्मोक की खुशबू दी दी है, तो अब ये भी हम तीन लोगों के हिसाब से ही इसमें डाल रहे हैं। हमने इतना डाल दिया है, अब इसमें हम नूडल्स डाल दें। इसमें से हम तरह से इसे निखार के इसमें थोड़ा ठंडा पानी और मीठा तेल डाल दिया था इसमें। हम अभी एक पैकेट से इतना ही बगा रहे हैं, जो चिकन क्यूब्स रखा था उससे हमने थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करा है, तो हम थोड़ा सा डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिला लें। इस तरह से दोनों मिक्स करेंगे। थोड़ा सा वैनिला डालेंगे, आधा टी स्पून उतना, और बिल्कुल पाव टी स्पून उतना हम सोया सॉस डालें। कभी भी याद रखें आप, सोया सॉस और वैनिगर आप जब खाएं, खाने की टाइम पर आपको जितना लगे तभी आप अपनी प्लेट में जितना लगता उतना डाल के खाएं। बनाते वक्त सोया सॉस और वैनिगर कम ही डालें। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक टेबल स्पून का तेल डाला है इसमें, बिल्कुल हल्का सा चुटकी भर हम ऑरेंज कलर डाल दें इसमें, और चुटकी भर येलो कलर। इसे हम अच्छे से जल्दी जल्दी मिला लेंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे, हमने नूडल्स का पानी रखा था ये थोड़ा सा आधा कप इतना डाल दिया हमने। थोड़ा सा और आधा टी स्पून सोया सॉस डाला हमने। एक मिनट और भून लेंगे इसे। तो चलिए ये हमारे नूडल्स तैयार है, इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें हम गाजर डालना भूल गए थे, ये गाजर डाल देंगे। हम इसे आखिर में इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका कलर फ्रेश रहे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। चलिए ये हमारे नूडल्स तैयार है, अब इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए बहनों, ये हमारे नूडल्स हक्का नूडल्स तैयार हैं, इसे आप ज़रूर घर में ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह।